साबका आईपीएस अफसर किरण बेदी वालों सिखा प्रति की गई विवादित टिप्पणी से सख्त इतराज़ प्रगट करदिया श्रोमणी कमेटी के वधीक सकत्तर प्रताप सिंह ने इसकी सख्त शब्दों च निंदा की है। श्रोमणी कमेटी के वधीक सकत्तर प्रताप सिंह ने कहा कि किरण बेदी नूं सिखा का इतिहास पढ़ना चाहिए, शायद वह सिख इतिहास नूं भुल चुके हैं ताकि उन्होंने सिखी बारे पता लग सके। नाल ही उन्होंने कहा कि किरण बेदी का मूल पंजाब नाल जुड़ना बनता, इसलिए इस नूं सिखा के इतिहास बारे समझ होनी चाहिए है। पर किरण बेदी की सिखा बारे की हैरानीजनक टिप्पणी शर्मनाक है, जिसने पूरी कौम भावनावां सट मारी है। होर की कहना श्रोमणी कमेटी के वधीक सकत्तर सरदार प्रताप सिंह का, आओ सुनते हैं। जड़ी किरण बेदी ने सिखा दे 12 बजे ते कमेंट किया, शायद ये इतिहास भुल चुकी है। जदों मुगल हिंदुस्तान से हमला करते सन, वो इन दियां धियां भैन, चलो मैं किसी धर्म का नाम नहीं लिंदा, इन धियां भैन चुक के ला जाते सी। उस समय सिख रात नूं अद्धी रात नूं लगभग तुसीं कह सकते आपां कि 12 बजे हमला करके ते इन्हां दी धीआं भैणां नूं छडाउंदे सी। उस 12 बजे दे नूं अज ये मखौल दा विशा बना रहे ने, इन्हां नूं इतिहास पढ़ना चाहीदा, खास करके किरण बेदी वर्गी जिहड़ी अपने आप नूं पढ़ी लिखी आ ते आईपीएस अफसर वी शायद रह चुकी आ, जे वह इतिहास ही नहीं जाणदी फिर वह ये कह रही है कि वेखो कोई सिख तां नहीं विच। उहनूं ये शर्म आउणी चाहीदी है कि सिखां ने ही उन्हों सिखा ने इन दज्जत जो बचाइया ने, यह सिखा से हमला करके मखौल डा के की साबित करना चाहती है, ये मेरी समझ तो बाहर है। यू तुरंत सिख कौम तो माफ़ी मंगनी चाहिए है। सिख श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि अपना फर्ज समझद होना कानूनी नोटिस भी भेजा जा रहा, असी इतने सख्त कार्रवाई भी करा, प्रशासन बेनती करांगे कि अजिहा करन वाले भावें वह कोई वड्डा अफसर होवे चाहे कोई सियासी लीडर होवे, उहनूं कदाचित बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन्हें ते बनदी कार्रवाई करनी चाहिए। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां नूं कार्रवाई लई लाभराज नूं कह दिता गया, उन्होंने नोटिस भेज दिता है, बाकी जिहड़ी कार्रवाई होएगी वो लॉ ब्रांच राही साडा जिहड़ा लीगल डिपार्टमेंट उहदे राही कीती जाएगी। धन्यवाद जी।